सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हूँ, किससे करती हूँ, वो कौन इंसान है मैं जो सबसे ज्यादा प्यार कर रही हूँ आजकल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं रचना पाठक। तो आज की इस वीडियो में ना हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हु नोज मी बेटर चैलेंज, समझे, चैलेंज। तो इस चैलेंज में बेसिकली हमें करना ये है कि हम दोनों ना एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे और हम देखेंगे कि हम दोनों में से कौन किसके बारे में ज्यादा जानता है, ये ना। हाँ, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम 10-10 क्वेश्चन रखते हैं, पहले मैं इससे पूछूंगी और उसके बाद ये मेरे से पूछेगी। कौन किससे पूछेगा, कौन किसके बारे में कितना जानता है आज, पहले कौन जाएगा? पहले तुम, ठीक है ना? पहले हाँ, पहले इसका मैं पूछ लेती हूँ। तो हम लोगों के पास ये कुछ चीट्स हैं, जो सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा ना उसका आंसर मतलब सामने वाले को लिखना है इसमें, ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए। हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, ठीक है ना? तभी तो मारोगी लग रहा है। मुझे जैसा लगता है मेरे बारे में इसको सब कुछ पता होगा, कुछ कुछ ऐसा कुछ होगा, कुछ सब कुछ पता है। देखना 100 में 100 लाऊंगी, देखते हैं। वचन देती हूँ तुम्हारे सर पे। पूछना स्टार्ट करो मेरे से, मैं आंसर देने के लिए। चलो बताओ मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, देखते हैं बता पाती है। मैं सोचने वाली तो बात ही नहीं है यार, चलो लेको। तो तुम बिल्कुल मत देखना। कितना बताना है? टू ओनली। पीला अब हो गया, पीला कभी नहीं था, आज ही हो गया होगा। ग्रीन कुछ दिन के बाद हो जाएगा, वो बैंगनी कलर, और कुछ शादी ला रही है, इसको शायद नहीं पता है। हार मान लो, लिख ले, हार मान लो, लिख ले। हां जी, अच्छा ठीक है, अबे बोलो। पक्का काला होगा, और व्हाइट तो तुम्हारा हमेशा से रहता है ना। हो गया, हो गया, हो गया। मुझे सबसे ज्यादा क्या करने में मन लगता है? तो कितना बताना है? सब कुछ मतलब कुछ भी? हाँ कुछ भी, तुम जितना कुछ करती हो सब कुछ, ठीक है। थ्री तीन बताना है। घूमने में सबसे ज्यादा, घूमना, खाना और घूमना, खाना, मूवी। हाँ, ये तीनों चीज करा दो तो दुनिया की सैर कर लेगी बेचारी। ट्रैवल, मूवी, फूडी। जवाब देंगे मतलब सवाल करेंगे। मेरा फेवरेट फूड कौन सा है? चार चार फेवरेट फूड जो कि मेरा है, नाम बताइए रचना पाठक। पहले तो दो ही था, आज के साथ आगे बढ़ो मुझे कंफ्यूज करने के लिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो? वो ऐसे 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 जो होता है जो, अरे कहना क्या चाहते हो, जो ऐसे ऐसे बनता है वो, उसका क्या नाम होता है यार, जो बर्गर, चाउमीन, अब दो कहाँ से उखाड़ लाए हुए, पिज्जा। एक तो पक्का नहीं जानती होगी। तुम्हारा गया नहीं, हो गया तो मैं क्या करूँ, पहले तो दो ही था, बर्गर और वो था। ये वाला तो बिल्कुल नहीं पता होगा तुमको, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, पास्ता। लेकिन तुम कभी खाती ही नहीं पास्ता यार, तुम्हारा फेवरेट बिल्कुल नहीं है। तुम गलत लिखी हो, अगर लिखी हो तो गलत कैसे लिख दूंगी मैं? तुमको पास्ता नहीं, पास्ता नहीं पसंद, ये चीटिंग कर रही है। सबसे ज्यादा फाइव बोलना चाहिए इसको बोलने के लिए। सबसे ज्यादा इसको बर्गर, पिज्जा, चाउमीन पसंद है, सबसे ज्यादा तुमको बर्गर पसंद है। और ये तुम मेरा पास्ता कब से लाई? पास्ता भी इसको बिल्कुल भी पसंद है, पसंद है, लेकिन कभी खाती नहीं हो ना। अभी घर में कल ले आई तो कल से फेवरेट हो गया। नहीं, ये नहीं होता, तुम चीटिंग कर रहे हो। बोलो, जब मैं फ्री होती हूँ, रूम में रहती हूँ बैठी हुई, तो मैं फोन में क्या देखती हूँ सबसे ज्यादा? कितना बताना? दो ही बताना। तो जोक है, बड़ा फेमस हो रहा है आजकल यूट्यूब पे, बहुत दिनों से फेमस है। नाम बताओ। मेक जोक नाम क्या? दो ऐसा चीज जो मैं फोन में ज्यादा देखती हूँ। ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में क्या? रील्स देखती हूँ। पता है इसको, इसको सब पता है। चलो बताओ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट मैथ्स। कितना बताना है? एक। ऐसा क्यों कर रही हूँ भाई, गूंगी हो क्या? ऑफ कोर्स मैथ्स, मुझे आती नहीं और तुम्हें बहुत ज्यादा आती है। क्वेश्चन, जब मैं फ्री होती हूँ, रूम में बैठी रहती हूँ, फोन चलाने का मन नहीं करता, थोड़ा सा पढ़ने का मन नहीं करता, तो मैं क्या करती हूँ? करती हूँ ड्राइंग, जो कि मेरे नजर में बिल्कुल वो है, समझ लो। और यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ मेरे साथ या खुद का, खुद ऐसे ऐसे कैमरा लेके प्रैक्टिस करती हूँ। यही करती हूँ। अरे यार, ये सब चुटकी का खेल है। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मुझे कोई एक चीज़ दे पहनने वाला या फिर खाने के लिए, तो मैं अपने पास
बस मुझे यार सब कुछ, मतलब कोई एक सामान कुछ भी दे, सबसे पहले दे मेरे पास लेकर आती है। रचना तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए। कहीं से कोई मिठाई भी लेके आता है ना तो सबसे पहले मेरे पास आती है। रचना तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगी, मैं छोटी बहुत संतोषी हूं, ज्यादा संतोषी हूं। एक कुछ भी रहे वो मुझे ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अगर मुझे कोई डांटता है तो मैं क्या करती हूं? तुम क्या करने के बाद सीरियसली सबको बता दूं? सबको? हां, तुम रोती हो लूजरों की तरह छत पे जाके अकेले में, लेकिन वहां पे मैं रहती हूं तो मुंह फाड़ देती हूं सामने वाले का, और मैं तुम्हारे बदले जाती हूं लड़ने के लिए, है ना? बचपन से लेके अभी तक ये मैं क्या ही करती आ रही है। ये अपना खानदान जानता है कि तुम लूजर हो एक नंबर की, और तुमको कोई कुछ बोलता है तो जाके रोती हो। पता नहीं क्यों ऐसा होता मेरे साथ। राइट, तुमसे जब कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन करने लगता है तो, है ना, मतलब बहस करना, बहुत ही वही बात, डिस्कशन करना, बहस करना। पता है आपको एक बात, मेरे बारे में अगर कोई सबसे ज्यादा जानता है तो ये है, मेरे घर में सबसे ज्यादा मतलब मम्मी पापा से भी ज्यादा ये मुझे जानते हैं बचपन से, इसलिए होता है आंसर सही था इसका। बहुत सारा होता है ना, बहुत सारे ऐसी मतलब लड़कियां होती है बहन बहन में ऐसे तकरार होता है, ऐसे 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 होते जाता है। ऐसा हम लोग में नहीं होता है, नजर ना लगे कहां देखूं तुम्हारी नजर कहीं मेरे पे अभी भड़क ना जाओ, हो सकता है यार नजर ना जाए। मैं इसके बारे में सच बताऊँ ना, सच में चैलेंज में भले ही हार सकती हूँ, खाने पीने में हार सकती हूँ, सब कुछ में हार सकती हूँ, लेकिन अगर बात आए ना मेरी दी के बारे में मुझे कुछ बताना है तो मैं एक एक बात सच बताऊंगी, बिल्कुल सीना ठोक के कहती हूँ ये बात सही है ना। अब है टर्न रचना की, ये पूछेगी मुझसे क्वेश्चन, मैं से पूछूंगी और इसको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैं पेन और ये अगर नहीं कॉपी लेके, एक पेन नहीं है सॉरी, अगर कुछ इसके बारे में मुझे बताना है तो सॉरी उसके लिए सही बोल देती हूँ, नाक में गुजा दूंगी मैं कलर को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मैं सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हूँ, किससे करती हूँ, वो कौन इंसान है मैं जो सबसे ज्यादा प्यार कर रही हूँ आजकल, आजकल नहीं हमेशा, जब से जन्म ली हूँ तब से है तू से, लेकिन दो ऐसा इंसान है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो पापा तो एक है ही, सेकंड में मैं भी हो सकती हूँ और मम्मी भी हो सकती है, दोनों भाई को तो ये एकदम मारती है, बहुत ही बहुत पीटती हूँ पकड़ पकड़ के। अभी अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो ना तो ये फाइट तुम्हारे लिए। चलो क्या कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल एकदम क्लियर बोलो जो बोलना है। मैं हूँ मैं। राइट, मैं सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्यार मैं अपने पापा से, ऐसा नहीं मैं मम्मी से प्यार नहीं करती हूँ, बट होता है ना किसी किसी से ज्यादा, मम्मी पापा से तो यार सब प्यार करते हैं, लेकिन वो वाला अलग प्यार है मेरा इसके साथ। प्यारी बहना। तो बताओ मेरा ड्रीम क्या है आजकल, क्या है? ऐसा नहीं पता है आपको, मेरा ड्रीम ना हर कुछ कुछ दिन पे चेंज होते रहता है, तो अभी का क्या है मेरा ड्रीम, क्या लेने का अभी का शौक है मेरा? आईफोन 11 या 12 कुछ ऐसे ही शायद, शायद यही है क्या? नहीं, कैमरा, कैमरा के लिए तुम हमेशा मना करती हो, मैं बोलती हूँ उसको कैमरा ही ले लेना, बोलती है नहीं कैमरा नहीं लेंगे आईफोन लेंगे, आईफोन आईफोन इसका ड्रीम है। नहीं है, मेरा ड्रीम है टेलीफोन, मैं क्या बोलते दूरभाष पे संपर्क करना मुझे अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स यार आईफोन, मैं पता है आपको आईफोन खरीदूंगी बहुत जल्द, बहुत जल्द नहीं लग जाएगा अभी लंबा टाइम, पैसे जमा ही नहीं हो रहे। इतना शॉपिंग करेगी तो पैसे कहाँ से जमा होंगे बहन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मुझे क्या पहनना पसंद है, मुझे क्या आउटफिट चाहिए? बहुत इजी है, क्योंकि वहाँ पे आना जल्दी जल्दी बोलो। ये जीन्स टॉप इसको बहुत ही ज्यादा पसंद है, ये कंफर्टेबल रहती है उसमें, तो ये पहन के जाती है, सही है। मुझे खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? चावल दाल चोखा, जलेबी पसंद है, चावल दाल चोखा पसंद है। दो दिन के बाद इसको इसका डिमांड रहता है कि मुझे मुझे लाके दो, मुझे लाके दो है गोलगप्पा। चावल दाल चोखा, राइट। चोखा तो नहीं बोला था मैंने, मैंने सिर्फ चावल दाल, चावल दाल तो कभी खाती नहीं ना, चोखा या भुजिया के साथ तो खाती हूं, इसलिए बोल। ओके बताओ
मैं जब भी मुझे बहुत ज़्यादा जब मैं टेंशनाइज्ड हो जाती हूँ, लगता है बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है मेरे दिमाग में, तो मैं क्या करती हूँ बताओ? बताओ, छत पे जाती हो और हेडफोन लगाती हो, 90s का गाना सुनती है ये पागल औरत औरत नहीं बोलने का सही है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा तुमसे कि मेरे में एक ऐसी बहुत ही ज्यादा बुरी आदत बताओ जिसको लेकर मम्मी हमेशा बोलती है कि अब तो सुधर जाओ, बड़ी हो गई हो, कुछ लक्षण खराब है इसका लक्षण। अच्छा बताओ, बात मत घुमाओ, जल्दी से बताओ। उसको गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है और बहुत जल्दी उतर भी जाता है, जो कि मम्मी हमेशा मना करती है गुस्सा नहीं करना। एक ही बुराई है यार मेरे में, गुस्सा नहीं करना चाहिए फिर भी ये करती है। और पता नहीं क्या, हर छोटी छोटी बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है तुरंत और उतना ही जल्दी उतर भी जाता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? गुस्सा क्वेश्चन है हमारा तुमसे कि मुझे क्या करने में सबसे ज्यादा मन लगता है, मेरा हॉबी क्या है? YouTube वीडियो बनाना। इसको पढ़ने से भी ज्यादा YouTube वीडियो बनाने में मन लगता है, जो कि ये अच्छे से करती भी है और भगवान करे ये सक्सेस हो। थैंक यू। तो बताओ, ऐसी वो कौन सी चीज है जिसके बिना मैं एक सेकंड तक नहीं रह सकती हूँ? एक सेकंड ना ज्यादा हो गया, एक घंटे तो रह ही नहीं सकती है। बोलो, पता है मुझे क्या, जिससे मैं अभी शूट कर रही हूँ, मोबाइल फोन। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम बताओ मुझे मेरा फेवरेट कलर आजकल कौन सा है? व्हाइट, ब्लैक, पिंक। पिंक नहीं, व्हाइट ब्लैक बस। इसमें ये दोनों जो लिखा हुआ है ना, ये रिसेंटली का। तुम अब बता नहीं पाई वो बात अलग है, लेकिन ये दोनों भी मेरा फेवरेट है। चीज क्या है जिससे मुझे सख्त चिढ़ है, जिससे तुम्हें बहुत मोहब्बत है उससे मुझे सख्त नफरत है, वो कौन सी चीज है? ट्रैवल। ट्रैवल करना इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे जितना इसको पसंद नहीं है उतना मुझे पसंद है। मुझे सख्त नफरत भी, कभी ये जबरदस्ती करके ले जाती है, और इसलिए भी पता है आपको मैं बाहर वीडियोस बनाने के लिए भी नहीं जाती, क्योंकि ये थक जाती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते, लेकिन कलर में तुम कंफ्यूजन कर दी। नहीं, कलर इसका ना, अभी अभी ब्लू तो कभी था ही नहीं, और पिंक भी नहीं था शायद तुम्हारा। तो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट है अभी रात के 12 बज रहे हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।